मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश में ही सम्मानजनक नौकरी दिलाने के लिए विभागों की भर्ती नीति में प्रावधान करवाएं, जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले और खेलों के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़े। उन्होंने कहा कि रेलवे एवं अन्य राज्यों की भर्ती नीति की तर्ज पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाए। इस प्रस्ताव को सरकार से मंजूरी दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। जानकारी के अनुसार सोमवार को यशोधरा राजे सिंधिया ने ग्वालियर में कंपू स्थित राजमाता विजया राजे सिंधिया खेल परिसर के सभाकक्ष में खेल गतिविधियों व सुविधाओं की समीक्षा की। बैठक में खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा, खेल संचालक और युवा कल्याण विभाग रवि कुमार गुप्ता, राजमाता विजया राजे सिंधिया खेल परिसर में संचालित महिला हॉकी अकादमी के मुख्य कोच परमजीत सिंह, जिला खेल व युवा कल्याण अधिकारी जोसेफ बक्सला तथा भोपाल से आए अन्य वरिष्ठ अधिकारी और खेल परिसर के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खेल प्रतियोगिताओं के लिए जिले की टीमों में खेल अकादमी के लिए बच्चों को शामिल करावें। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा संचालित खेल अकादमियों में प्रशिक्षणरत बच्चों को तो उत्कृष्ट सुविधाएं मिले ही, साथ ही अकादमी से बाहर की खेल प्रतिभाओं को निखारने में भी अकादमी मदद करे। हमारा उद्देश्य यह हो कि खेल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश भर में अग्रणी राज्य बने। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता के कैलेंडर पर भी नजर रखें। प्रयास ऐसा हो कि प्रदेश की हॉकी अकादमी में अध्ययनरत खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में उचित स्थान मिले। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए अकादमी की टीमें भेजें, साथ ही बाहर के खिलाड़ियों को भी हॉकी अकादमी में खेलने के लिए बुलाएं। साथ ही ध्यान रहे कि खिलाड़ियों को इस दौरान खान पान व आवास सहित उत्कृष्ट खेल सुविधाएं मिले। खेल मंत्री ने प्रदेश में छिपी खेल प्रतिभाओं को ढूंढकर अकादमी में भर्ती कराने अर्थात टैलेंट सर्च पर विशेष बल दिया। खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने राजमाता विजया राजे सिंधिया खेल परिसर में संचालित महिला हॉकी अकादमी सहित खेल परिसर की समस्त सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की, साथ ही सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया। इस काम में प्रदेश के पुराने हॉकी सितारों की भी मदद मिले। खेल अकादमी में प्रशिक्षणरत बच्चों से अधिकारी प्रतिदिन संपर्क में रहकर उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करें। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच, मेडिकल सेवाएं, गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं मुहैया कराने में प्रदेश सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।